हे वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप IRCTC पर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि IRCTC पर आप अपनी एक यूज़र आईडी बना सकते हैं। IRCTC पर आपका अकाउंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो IRCTC पर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। भले ही आप किसी भी वेबसाइट या ऐप से टिकट क्यों ना बुक करें, IRCTC पर जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा तब तक आप ट्रेन का टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने दो वीडियोस डाले थे, एक तत्काल टिकट वाला वीडियो और एक नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट वाला वीडियो। दोनों वीडियो में आप लोगों ने बहुत से पसंद किया और कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप प्लीज एक IRCTC का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये वीडियो एक डिटेल में बना के दिखाइए। तो आज का वीडियो इसी बारे में। चलिए मोबाइल अपना खोलते हैं और प्ले स्टोर पर हम लोग टच करते हैं। प्ले स्टोर पर टच करने के बाद आप ऊपर लिखेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। देखिए ये IRCTC का ऑफिशियल ऐप है, आइकन पहचान लीजिए, इंस्टॉल पे टच करेंगे और ये डाउनलोड होने लगेगा। दोस्तों डाउनलोड होने के बाद इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। भले आप पेटीएम से बुक करें, चाहे आप एक्सिगो से बुक करें और चाहे तो आप yatra.com या किसी और वेबसाइट से आप बुक करें या ऐप से आप बुक करें, लेकिन IRCTC ही ऑफिशियल ऐप है। और अगर किसी आप और वेबसाइट या ऐप से आप बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पेटीएम से बुक करते हैं, तो 2-3 घंटे पुराना स्टेटस उसमें ट्रेन का दिखाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि टिकट तो आपकी बुक हो जाएगी लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा कि टिकट आपकी बुक ही नहीं हुई और कैंसिल हो गई। और कैंसिल होकर हालांकि रिफंड आ जाता है लेकिन एक इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी ऑफिशियल ऐप से ही आप टिकट हमेशा अपना बुक किया करें। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज में कवर करने वाला हूं कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाएंगे, IRCTC यूजर आईडी कैसे बनाएंगे, दोनों सेम चीज ही हैं, और IRCTC का आप पासवर्ड किस तरह डालेंगे और क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है पासवर्ड डालते वक्त। तो चलिए ऐप इंस्टॉल हो गया और हम लोग अब ओपन पे टच करने वाले हैं। ओपन पे टच करते ही ये ऐप खुल जाएगा। ओपन पे देखिए मैंने टच कर दिया है। अब ये पहली बार जब खुलेगा तो इस तरह की कुछ परमिशंस मांगेगा, ये आपको परमिशंस में अलाउ करना है, डिनाई नहीं करना है, वरना ऐप सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब ऊपर ट्रेन टिकट का आइकन आ रहा है, ट्रेन टिकट पे हम लोग टच करेंगे और ट्रेन टिकट पे टच करते ही देखिए ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। इस स्क्रीन में अगर आपके पास पहले ही से अगर अकाउंट है तो आप यूजर नेम की जगह अपना यूजर नेम आप टाइप करेंगे, पासवर्ड की जगह अपना IRCTC का पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन पे टच करके लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो आप नीचे रजिस्टर, जो ब्राउन कलर का जो बटन है रजिस्टर पे, मैं वहां टच करने वाला हूं। वहां मैंने टच कर दिया और देखिए यूजर नेम आ गया। अब ये यूजर नेम टाइप करने में कुछ यूनिकनेस है देखिए, और क्या है चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़र नेम एक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और देखिए फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डालने की कोशिश करता हूं और देखिए यूज़र नेम बता रहा है ये अवेलेबल नहीं है। देखिए रेड कलर से बताने लगा अवेलेबल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ इस यूज़र नेम को कुछ आप यूनिक बनाने की कोशिश करें, कुछ डिजिट्स ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल, और कुछ आप क्या करें कि उसके बाद भी एक आध अल्फ़ाबेट आप ऐड कर दें। अब देखते हैं, देखिए ये यूज़र नेम अवेलेबल है। तो इस तरह आप थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करके आप एक ऐसा यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो कि वहाँ मौके पर ग्रीन हो जाए। ग्रीन का मतलब कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है। सेम यूज़र नेम से अगर कोई और पहले से अकाउंट बनाया तो उसी नाम से दूसरा अकाउंट वो आपको नहीं बनाने देगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं पासवर्ड की तरफ। पासवर्ड पर देखिए दोस्तों, पासवर्ड भी यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ अपना नाम ही, मैं पहले मैं टाइप कर देता हूँ। अब देखिए नाम टाइप करने के बाद मैं आगे आता हूँ तो वो बता रहा है अभी भी पासवर्ड सही नहीं है। तो पासवर्ड में इनका देखिए लिख क्या रहा है, पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर। तो चलिए एक हम कोई कैपिटल अल्फाबेट भी ऐड कर देते हैं। और अब देखिए जो है वो आई बटन के तरफ से जो एरर आ रहा था वो गायब हो गया। तो अब हम लोग फिर से सेम पासवर्ड हम लोग टाइप करते हैं। अब देखिए अभी भी नीचे वाला पासवर्ड तो ग्रीन हो गया लेकिन ऊपर वाला पासवर्ड ग्रीन नहीं हुआ। दोनों पासवर्ड वाली जगह पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पर आपको सेम चीज़ ही टाइप करनी है। अब बता रहा है कि पासवर्ड में एक डिजिट भी होना चाहिए, मतलब एक नंबर भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक नंबर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5। और नीचे वाले में भी सेम टू सेम हम लोग टाइप करेंगे, इसमें भी ऐड कर दिया हम लोग ने 5। अब देखें, अब बता रहा है पासवर्ड लेंथ कैनॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर्स। तो याद रहे 3-4 चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक अपर केस यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर कम से कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप फुलफिल कर देंगे तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 2 डिजिट और ऐड कर देते हैं। और देखिए 2 डिजिट ऐड करते ही ऊपर का पासवर्ड भी ग्रीन हो गया और नीचे का पासवर्ड भी हम सेम टू सेम टाइप कर देंगे। और चलिए अब हम नीचे जो है अपना नाम टाइप कर देते हैं
और मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो आप टाइप करेंगे, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। और सही सही अपनी डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल भी आप सही सही सेलेक्ट करेंगे। और अपना एक मोबाइल नंबर आप जरूर सेलेक्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर से अगर आपका पहले कोई अकाउंट अगर बना हुआ है तो हो सकता है वो ना बनाने दे। चलिए हम पहले सेम अकाउंट मोबाइल नंबर ही डाल के चेक करते हैं और डेट ऑफ बर्थ चलिए सेलेक्ट कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, सबसे ऊपर जहाँ ईयर आ रहा है वहाँ मैंने लिख के टच किया, सबसे ऊपर जहाँ ईयर आ रहा है वहाँ मैंने टच किया तो देखिए ईयर खुल गया। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ मैं सही सही में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर मैं अक्टूबर में आ गया और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुकी है। और इसके अलावा अब मुझे और कुछ नहीं लग रहा। चलिए मोबाइल नंबर इज नॉट अवेलेबल, देखिए यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया। इसका मतलब कि इस मोबाइल नंबर से एक पहले ही अकाउंट एक बना हुआ है। तो याद रहे आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, आपका यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तभी वो अकाउंट क्रिएट करने देगा। तो इसमें एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस मोबाइल नंबर से पहले ही मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। तो चलिए मैं एक और मोबाइल नंबर है मैं उससे मैं ट्राई करता हूँ। और देखिए मैंने एक और दूसरा मोबाइल नंबर अब डाल दिया है और इससे मैं ट्राई करता हूँ और देखिए इससे आ गया है। और देखिए ये मोबाइल नंबर अवेलेबल है, बता दिया उसने कि ये मोबाइल नंबर अवेलेबल है। अब आपको एक ईमेल आईडी टाइप करनी है तो मैं देखिए पहले मैं वही ईमेल आईडी टाइप करता हूँ जिससे मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर एरर दिखाएगा तो हम लोग इसे भी चेंज कर देंगे, वैसे मुझे लग रहा है एरर दिखाना चाहिए। और देखिए ईमेल आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, देखिए एरर दिखा दिया। तो यानी कि ईमेल आईडी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपने पहले कभी इसमें इस्तेमाल ना करी हो, अगर वो ईमेल आईडी इनके डेटाबेस में पहले से है तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो चलिए अब ये ईमेल आईडी दोस्तों अवेलेबल हो गई है और ये मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है और कन्फर्म पासवर्ड और ये सब ओके दिखा रहा है, सब चीज़ ओके दिखा रहा है। और देखिए सारी चीज़ ग्रीन हो गई है, इसका मतलब अब आप रेडी हैं, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेशनलिटी पूछ रहा है, अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं और सिक्योरिटी आंसर आप टाइप करेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन तब आपके काम आएगा जब आप अपना IRCTC का कभी अकाउंट की डिटेल्स या पासवर्ड या आईडी आप भूल जाएं, तब आपके काम आएगा। और ऑक्यूपेशन आप भर देंगे, जॉब करते हैं, बिजनेस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, और मैरिटल स्टेटस भर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे टच करेंगे, एड्रेस आप अपना सही सही भर देंगे, एड्रेस यहाँ पर सेम भी हो सकता है जो आपने पहले भरा है। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, पिन कोड अपना सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड सेलेक्ट करते ही वो सिटी और लोकेशन आपकी अपने आप ले लेगा, देखिए यूपी अपने आप ले लिया, लखनऊ अपने आप दिखा रहा है, पोस्ट ऑफिस आप अपना सही सही सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक टिक लग के आ रहा है कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ टिक लगा रहने दीजिए। और यहाँ पे एक और फोन नंबर आपको डालना है तो वही सेम फोन नंबर डाल दीजिए। और फोन नंबर आप डाल दिया, अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। पोस्ट ऑफिस इज इनवैलिड फॉर पिन कोड 226001, ओके ऐसा करना नहीं चाहिए इनको क्योंकि ये लखनऊ का ही पिन कोड है। तो चलिए हम कोई और पिन कोड कोई और पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करके देख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। अब चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस आ गया और ये देखिए यूज़र आईडी ये रजिस्टर हो गई है दोस्तों। यहाँ पे मेरी एक टिप है और देखिए यहाँ पे एक OTP भी आया है, ये OTP आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया है। और इसके बाद आपको लॉग इन करना है अपने अकाउंट के अंदर वेरीफाई करने के लिए सबसे पहली बार। और मेरी एक टिप है यहाँ पर कि जो यूज़र आईडी है आपकी वो आप कहीं नोट जरूर करके रख लें, पासवर्ड ना नोट करें लेकिन यूज़र आईडी जरूर नोट कर लें क्योंकि यूज़र आईडी अक्सर लोग भूल जाते हैं। और जब IRCTC पे अगर आप यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, हालांकि रिकवर आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको यूज़र आईडी कहीं लिख के अगर आप रख सकते हैं तो सही से आप रख लें, आपके काम आएगी। पासवर्ड ना लिख के रखें क्योंकि पासवर्ड आप भूलते हैं तो ईजिली रिकवर हो जाता है। तो यूज़र आईडी चलिए हमने नोट कर लिया है, अब हम यहाँ ओके पे टच करें और लिख के आ रहा है प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट। और हमने OTP जो आया था हमने कॉपी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम अपनी यूज़र आईडी हम लोग टाइप करते हैं और चलिए हम लोग पासवर्ड टाइप करते हैं। और देखिए दोस्तों हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपको मोबाइल पर OTP आपको जो आया है वो आपको एंटर करना है। और ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया मोबाइल वाला OTP और एक ईमेल आईडी भी अगर आपको अपनी खोलनी पड़ेगी, ईमेल आईडी चलिए खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी ईमेल खोलते हैं। ईमेल खोलने के लिए हम लोग बीच वाला बटन दबा रहे हैं और बीच वाला बटन दबाने के बाद हम लोग अपनी मेल पहले खोलेंगे। और मेल में दोस्तों मैंने वो वाला अकाउंट अभी ऐड नहीं कर रखा है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। तो चलिए हम लोग दूसरा एक और अकाउंट हम लोग ऐड कर लेते हैं अपना, जो मैंने
ईमेल अभी यूज़ किया IRCTC में, उसी ईमेल को ऐड करने के लिए ये सारी कलाकारी की जा रही है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड अपना सही ये जीमेल वाला पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों, ये IRCTC वाले पासवर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और ऐड फोन नंबर वगैरह वगैरह पूछ रहा है, इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको हमें एग्री करना पड़ेगा तभी वो आगे जाने देगा। तो चलिए इसे एग्री कर लेते हैं। और अब क्या होगा कि ये ईमेल के भी मैं मेल्स में देख पाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टच करते हैं और देखिए ये ईमेल भी नीचे शो होने लग गया। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं और ये देखिए IRCTC का सबसे ऊपर जो है मेल आ चुका है। यहाँ पर आपको भी एक पिन आया होगा, OTP आया होगा, पिन या OTP आप कह सकते हैं। ये देखिए 100887, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर आप लेफ्ट वाला बटन दबा के वापस IRCTC पे आ जाएंगे। जो मोबाइल पे OTP आया था वो हम डाल चुके हैं और यहाँ ईमेल वाला OTP यहाँ हमने इसे इस तरह डाल दिया। और अब अगर ये OTP नहीं आए हैं आपके मोबाइल या उस पर ईमेल पर, तो आप रीसेंट OTP का बटन जो राइट हैंड साइड पर दिख रहा है वहाँ क्लिक कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर वाला OTP और ईमेल वाला OTP, दोनों OTP डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप वेरीफाई यूज़र पे आप टच करेंगे। तो हमने वेरीफाई यूज़र पे टच कर दिया, देखिए OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र तपन 12AP। तो अब हम ओके पे टच कर रहे हैं और देखिए अब हमें लॉग आउट करा दिया है। अब हम प्रॉपरली सब चीज़ वेरीफाई कर चुके हैं, अब हम डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं केवल अपना पासवर्ड यूज़ करके। तो चलिए अब हम लोग अपना पासवर्ड फिर से डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग लॉगिन हो चुके हैं और सबसे पहली बार लॉगिन होते ही ये आपसे कहेगा एक 4 डिजिट का एक पिन क्रिएट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम एक 4 डिजिट का पिन एक क्रिएट कर देते हैं और देखिए री एंटर कर देते हैं पिन को। ये ऐसा 4 डिजिट का पिन होना चाहिए जो आप हमेशा आप याद रख सकें, भूलें ना। और अगर भूल जाते हैं तो वैसे ये रीसेट हो जाता है, लेकिन ना भूलें तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा नंबर रखें 4 डिजिट का जो आप ना भूलें। ये ATM पिन और उससे अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, किसी और पिन से इसका कनेक्शन नहीं होता है। अब हम सबमिट पे टच कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आप इसे याद रखें फॉर फ्यूचर यूज़। ओके कर दीजिए और लीजिए आप आ गए हैं IRCTC अकाउंट के अंदर। ये आपका IRCTC का अकाउंट बन गया है, या कह सकते हैं कि आप IRCTC पे आपने एक यूज़र ID अपनी क्रिएट कर ली है। और आपने IRCTC पर पासवर्ड भी कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं वो भी आपने देख लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो काम का था तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस कर लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।